आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? एससीओ। ठीक है, पहली बात तो हमें यह पता चलना चाहिए एससीओ क्या होता है। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। देखो ये क्या है, एक ग्रुपिंग है। ग्रुपिंग मतलब इसमें क्या करते हैं, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 20 ऐसे मिलके कंट्रीज। अब देखो पर्पस क्या हो सकता है, एक हो सकता है भैया कि इनके ऊपर कोई अटैक ना करे। देखो मैं आपको मुद्दा पहले भी पढ़ा चुका हूं कि G7 क्या था, G5 क्या था, G6 क्या था, या हम UN पढ़ते हैं, यूनाइटेड नेशन, ये क्या है? ये एक समूह है, एक ग्रुप है। ग्रुप में मिलके लोग पॉलिटिकली डिसीजन लेते हैं, या हम बोल सकते हैं इकोनॉमिकली डिसीजन लेते हैं, या हम क्या बोल सकते हैं उसे मिलिट्री पर्पस के लिए क्या लेते हैं, डिस्कशन करते हैं या उसके ऊपर डिसीजन लेते हैं। जैसे कि रिसेंट में अगर हम देख सकते हैं तो हम क्वाड की बात कर सकते हैं। अब बोलूंगा सर ये क्वाड क्या होता है, क्वाड मतलब होता है चार। क्वाड मतलब क्या होता है, चार। अब इसमें क्या किया है, चार कंट्रीज ने मिलकर गुच्छा बना। ठीक है, जैसे कि मैं यहां पे कंट्रीज लिखता हूं, आपको पता है क्या इसके बारे में, यूएसए अमेरिका, ठीक है, दूसरा ऑस्ट्रेलिया, थर्ड जापान एंड फोर्थ वन इज इंडिया। देखो कैसा होता है जब हमारी सोच मिलती है, जैसे हमारे दोस्त भी कौन बनते हैं, जिनसे अपनी सोच मिलती है, जिनसे अपने हरकतें या जो भी अपने काम या मस्ती वगैरह जो मिलते हैं वो सब मिलके। अब ये चारों ने अपना गुच्छा बना तो लिया है, पर किसके लिए बनाया है, इन्होंने चाइना के लिए, कि चाइना को क्या करना है, अपने को काउंटर अटैक या चाइना को रोकने के लिए इन्होंने क्या किया, अपना गुच्छा बना लिया। किससे किससे, अमेरिका ने, ऑस्ट्रेलिया ने, जापान ने, इंडिया ने। ये आप रिसेंट के न्यूज में पढ़ रहे होंगे। ठीक है, जैसे कि इंडियन ओशियन में, या हम देखते हैं चाइना का जो एग्रेशन व्यू है, जो उसका नेचर एक्सपांडिंग व्यू, एक्सपांडिंग मतलब उसका क्या कहना है, कंट्रीज को क्या करो या टेरिटरीज को क्या करो, उसके ऊपर अपना हक जताते रहो। ठीक है, तो उसको रोकने के लिए या उससे मुकाबला करने के लिए ये क्या कर रहे हैं, अपना गुच्छा बना रहे हैं, याद रहेगा। सिमिलरली आज हम पढ़ने वाले हैं एससीओ के बारे में। ठीक है, तो ये एससीओ जो है ये क्या है, एक ग्रुप है। ग्रुप का नाम हमने क्या बोल दिया, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसमें मेंबर्स कौन से कौन से, सबसे मेन चीज इसमें मेंबर्स कौन से कौन से, मेंबर्स कंट्री किसी को याद है क्या? यस, टोटल मेंबर्स कितने, ये बता दो मुझे, 8 मेंबर्स है। ठीक है, बताओ तो मुझे इसके मेंबर्स, कजाकिस्तान, ठीक है, पहली कंट्री का मैंने नाम लिख दिया कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ठीक है, थर्ड उज़्बेकिस्तान, फोर्थ तजाकिस्तान, चाइना है, रशिया भी है, इंडिया भी है, और एक लास्ट कौन सा है, पाकिस्तान। ठीक है, ये 8 कंट्रीज ने मिलके एक ग्रुप बनाया है, एक गुच्छा बनाया, उसको हमने क्या नाम दिया, एससीओ या शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसमें कितने कंट्रीज है, 8 कंट्रीज है, ये यहां पे लिस्टिंग आपको दिख गई है। इसमें अगर अपन देखें चाइना को, रशिया को, इंडिया को, ठीक है, इसमें अपन क्या देखते हैं, चाइना, रशिया और इंडिया, ये तीनों को मिला के अगर अपन लैंडमास की बात करें, किस चीज की बात करें, लैंडमास, हम ओशन की बात नहीं कर रहे। आपने वर्ल्ड मैप में देखा होगा, जैसे मैंने आपको पढ़ाया था कि एनुअल टेम्परेचर रेंज ऊपर वाले पार्ट में, मतलब नॉर्थन हेमिस्फीयर में ज्यादा रहेगा या साउथर्न हेमिस्फीयर में, तो आप सभी ने जवाब क्या दिया था, सर नॉर्थन हेमिस्फीयर में। क्यों नॉर्थन हेमिस्फीयर में रहेगा, क्योंकि कॉन्टिनेंटल एरिया जो लैंड एरिया है वो क्या है, ऊपर में ज्यादा है एज कंपेयर टू साउथर्न हेमिस्फीयर, याद रहेगा। और साउथर्न हेमिस्फीयर में सबसे ज्यादा क्या है, ओशियनिक रीजन, समझते हो, एक होता है कॉन्टिनेंटल, कॉन्टिनेंटल मतलब जो जमीन वाला एरिया रहेगा ध्यान में, कनिष याद रहेगा जो लैंड एरिया है, दूसरा एरिया कौन सा रहेगा, ओशियनिक। अपन ने वर्ल्ड मैप देखा है, वर्ल्ड मैप में आपने पढ़ा, अभी मेरा इसके पहले का लेक्चर देखा है, कोई लेक्चर नहीं देखा है, ठीक है, देखो पीछे में मैप होगा आपके,
और नीला नीला जो दिख रहा है वो क्या है, सभी पानी है, ठीक है। उसके बीच में मोटा मोटी पकड़ लो कोई बीच की लाइन जाती होंगे, तो देखो ऊपर में ज्यादा करके क्या दिख रहा है आपको, पीला कलर दिख रहा होगा या ब्लू, ये पिंक कलर दिख रहा होगा, दिख रहा है आपको, वो सारा क्या है लैंड एरिया। और नीचे में देखो सबसे ज्यादा आपको नीला कलर दिख रहा होगा, मतलब वो क्या है, ओशनिक रीजन। तो सबसे ज्यादा पे लैंड एरिया कहां पे, ऊपर की पोर्शन में, मतलब नॉर्थन साइड में एज कंपेयर टू साउथर्न साइड, याद रहेगा इतना। तो अगर मोटा मोटी देख ले तो ये तीन कंट्रीज का लैंड एरिया ही आपको पता है, रशिया कितना बड़ा है, चाइना कितना बड़ा है और इंडिया कितना बड़ा है। तो मोटा मोटी तो ये पूरे वर्ल्ड का 20% तो लैंड एरिया है। 20% क्या है, ये लैंड एरिया है। और अगर हम पॉपुलेशन की बात करें, ये आठों की पॉपुलेशन, अब इसमें पॉपुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको भी पता है चाइना और इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है, पता है ना आपको। तो ये टोटल पॉपुलेशन देखो, मैं चाइना और इंडिया का तो पॉपुलेशन आपको पता है बहुत ज्यादा एज कंपेयर टू ये सभी कंट्रीज से ज्यादा है, फिर भी हम टोटल की बात करें तो 42% पॉपुलेशन है। कितना है पॉपुलेशन, 42% रहेगा ध्यान में, जितना वर्ल्ड में है, जितना अगर मान लो वर्ल्ड में हम मोटा मोटी पकड़ लेते 100 लोग रहते, तो 42% लोग तो ये 8 कंट्रीज में रहते। और ये 8 कंट्रीज में भी अपने को पता है कि चाइना और इंडिया में पॉपुलेशन क्या है, ज्यादा है, इतना सभी को आइडिया है। उसके बाद करीबन जो ग्लोबल जीडीपी है, ग्लोबल जीडीपी कितना है, करीबन 20%, ग्लोबल जीडीपी समझ रहे हो, जो पूरे वर्ल्ड में मिला के अपन बोलते हैं जीडीपी, उसमें कितना है ये 20%, ऑल ओवर ये पूरा के मिला के कितना है 20% ग्लोबल जीडीपी। अगर अपन देख ले ये तीन कंट्रीज का मोटा मोटी पकड़ के क्या चल रहा हूं मैं, ये तीन कंट्रीज को तो करीबन आप देख लो, वर्ल्ड मैप भी देख लो तो आपको रशिया अच्छा बड़ा दिखेगा, चाइना भी आपने देखा है, इंडिया का भी है, तो मिला के पूरे वर्ल्ड एरिया के लैंड में, हाँ कॉन्टिनेंटल की बात कर रहा हूं मैं, जहां पे लैंड एरिया है उसमें से कितना ये नियर अबाउट 20% लैंड एरिया, इतना डेटा याद रहेगा पक्का। और एक चीज अगर आप देखो तो ये जितने भी है ना ये कंट्रीज, या तो आपको ये सेंट्रल पार्ट में दिखेंगे वर्ल्ड के, जैसे मैं ये थोड़ा सा मोटा मोटे मैप बनाने की कोशिश करता हूं, ये भैया इक्वेटर है यहां से, ठीक है, ये अपन ने क्या बोला ये नॉर्थ पार्ट है, नॉर्थ मतलब ऊपर उत्तरी पार्ट, ठीक है, अरे दक्षिण पार्ट साउथ, साउथ को दक्षिण नहीं बोलते हैं, साउथ को दक्षिण बोलते हैं नहीं बोलते, ठीक है, ये साउथ पार्ट है। तो अगर आप देखो इसमें तो लगभग इधर साइड जो कंट्रीज है, इधर साइड की कंट्रीज या ऊपर में या यहां पे सेंट्रल तक के, इधर साइड में क्या है एससीओ ग्रुप। अगर मैं वर्ल्ड की मोटा मोटी बात करता हूं और मैं अमेरिका को इधर साइड रखता हूं, समझ रहा है क्या, अमेरिका नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका ऐसा कुछ रखता हो, यहां पे अफ्रीका कुछ रखता हूं मैं, ठीक है, इधर यूरोप से यहां जो चालू होता है, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं। बस अपने को मेन मुद्दा क्या है अपना, कि जो लगभग मोटा मोटी कंट्रीज है ये है किधर साइड की, राइट साइड में है, तो राइट साइड को अपन क्या बोलते हैं, ईस्टर्न साइड बोलते हैं कि नहीं बोलते, ईस्टर्न साइड, ईस्ट साइड। तो इसी को भी और एक नाम है, अलायंस ऑफ द ईस्ट। अब बोलोगे सर ये अलायंस क्या होता है, अलायंस मतलब होता है ग्रुप मिलकर बनाना, ठीक है, अलायंस मतलब क्या होता है ग्रुप, ग्रुप कहां का है ये ईस्ट साइड, मतलब उधर साइड के क्या है ये ग्रुप है, कौन सा, ये एससीओ, और एससीओ के अंदर ये क्या है, ये सारे कंट्रीज है। इसका मतलब आपको क्या समझना है, हमने देखो नॉर्थ अमेरिका को इधर साइड रखा है, नॉर्थ अमेरिका को इधर साइड रखा है, तो इधर साइड जो भी है, ईस्ट की बात कर रहे हैं हम, ईस्ट और सेंट्रल, ये देखो सेंट्रल में भी आएगा और ईस्ट में भी आएगा, इधर साइड जो कंट्रीज है उसको अपन क्या बोल रहे हैं, एससीओ ग्रुप है, वहां पर रहेगा ध्यान में। इतना डेटा लिखते हो क्या, एक गुच्छा है अपने को ऐसे याद रखो कि ये इधर साइड है ईस्ट में, अभी मैं गुच्छा बताऊंगा जो किधर साइड है, वेस्ट में। देखो एक चीज आपको हमेशा याद रखना है, ये गुच्छा जो बनता है किस लिए बनता है, एक तो भैया कि हम छोटे छोटे कंट्रीज हैं, पर छोटे छोटे की तो बात ही नहीं, यहाँ पे तो अच्छे बड़े बड़े, किस लिए होता है कि भैया हम पर कोई अटैक ना करे। जैसे आपने सुना होगा, कब की बात कर रहा हूं मैं, 1991 की पहले की बात कर रहा हूं, कोल्ड वॉर जब छिड़ रहा था, कोल्ड वॉर जो था पता है सभी को, एक तरफ क्या हो गया ईस्ट साइड मतलब
रशिया वाला, सोवियत यूनियन, दूसरे था जो अमेरिका था कैपिटलिज्म, समझ रहे हो? एक क्या था कम्युनिज्म में था, या अपन उसे बोलते थे सोवियत यूनियन का गुच्छा था। देखो जैसे मैं आपको वर्ल्ड में समझाता हूं, इधर साइड वाले क्या थे सभी सोवियत यूनियन के अंडर में। कब की बात कर रहा हूं मैं? 1991 की पहले की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है? अगर 1991 की आप देखो, जब उसका टुकड़ा हुआ, टूटा वो सोवियत यूनियन जब टूटा, उसी के ये कंट्रीज है कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, याद है या नहीं है? ये सब किसकी कंट्रीज है? ये सब सोवियत यूनियन की है। और ये सोवियत यूनियन कब टूटा? 1991 में। टूटने के बाद इसका जो गुच्छा था खुल गया, गुच्छा खुलने के बाद ये सब अलग अलग हो गए। भैया ये तो छोटे छोटे हैं, समझ रहे हो? कोई भी एक छोटी कंट्री होती है। अभी मैं आपको बताऊंगा कौन सी कंट्री में कितना पावर है, आपको अभी मैं लेके जाऊंगा वहां पे। पर एक चीज मोटा मोटी याद रखो कि कोई भी कंट्रीज है वो अपना गुच्छा आजू बाजू में क्यों बनाती है? एक तो भैया पॉलिटिकल, ठीक है, दूसरा अपन का राजनीतिक, ठीक है, राजनीतिक समझते हो? राजनीतिक। दूसरा भैया इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक समझते हो? व्यापार वगैरह के लिए, क्लियर हो रहा है? और तीसरा क्या होता है? मिलिट्री पर्पस के लिए। क्या बोला है मैंने? एक तो भैया किस चीज के लिए हम करेंगे? पॉलिटिकल। आप बोलेंगे सर पॉलिटिक्स क्या होता है? पॉलिटिक्स मतलब जैसे आपने यूएन पढ़ा है, यूएन, यूनाइटेड नेशन। अब उसमें कई कंट्रीज है जो इंडिया को सपोर्ट कर रही है। क्या कर रही है? कई कंट्रीज का इंडिया को सपोर्ट कर रही है कि इंडिया को परमानेंट सीट मिल जाए, वेटो पावर मिल जाए। पता है नहीं पता है? वेटो पावर जो अभी किसके पास है? सिर्फ 5 कंट्रीज के पास है। तो इंडिया को कई कंट्रीज क्या कर रही है? सपोर्ट कर रही है कि आपको क्या मिल जाए? परमानेंट वेटो पावर मिल जाए। रहेगा ध्यान में, अभी तो टेम्पररी 2 साल का रहता है, वो तो चेंज होते रहता है। पर जो जैसे कि आपको पता होगा, अगर 5ों में से एक ने भी बोल दिया नहीं कोई भी डिस्कशन पे, तो क्या होगा? वो नहीं तो नहीं रहेगा ध्यान में। जैसे आपको मैं अभी रिसेंट की न्यूज लेके आता हूं, पाकिस्तान को पिक्चर में लाते हैं, ठीक है? पाकिस्तान के पता है आपको टेररिस्ट कितने? जैसे मसूद अजहर की बात करते हैं, या जकीरुर रहमान अली कुछ ऐसा नाम था टेररिस्ट का, उसको क्या कर रहा था चाइना? जैसे कि यूएन में क्या होता कि जैसे वो कंट्री है या वो बंदा है, उसको क्या करना है? ग्लोबल टेररिस्ट क्या करना है? डिक्लेयर करना कि भैया वो निका ग्लोबल टेररिस्ट है। रहेगा ध्यान में। तो इसमें क्या होता, सबका मत लेना पड़ता, वोटिंग लेना पड़ता। अब भैया इंडिया प्रूफ भी दे रहा, सब कुछ दे रहा, बट क्या है? ये जो 5 लोग है, 5 लोग आपको पता है कौन से? अमेरिका, चाइना जिसके पास वेटो पावर है, रशिया, ब्रिटेन, फ्रांस की जर्मनी, ठीक है? तो ये 5 कंट्रीज के पास क्या है? वीटो पावर है, ठीक है? अब जैसे अमेरिका ने बोल दिया भैया ये इविडेंस सही है, चलो इसको क्या करना, अपने ग्लोबल टेररिस्ट का करना है, डिक्लेयर करना, इसने अपना मत दे दिया कि हाँ ठीक है। इसके बाद रशिया ने बोल दिया कि ठीक है भाई, इंडिया पूरे सबूत दे रहा है, डिक्लेयर कर दो। उसके बाद इसने भी बोल दिया ब्रिटेन ने कि हाँ भाई इसे डिक्लेयर कर दो, ये क्या कर रहा है? आतंकी फैला रहा है, ये वो सब कर रहा है। उसके बाद फ्रांस ने भी बोल, बट अगर मान लो उसमें से चाइना क्या कर रहा है? सपोर्ट कर रहा है। जैसे आपने न्यूज में सुना होगा चाइना हमेशा ही सपोर्ट कर रहा था, इस बार जो उसको ग्रे लिस्ट में फेंका गया है, आपको पता है ब्लैक लिस्ट और ग्रे लिस्ट क्या होता है? जो मैंने FATF पढ़ाया था, इस बार जो उसे ग्रे लिस्ट में फेंका गया है, इस बार चाइना ने भी सपोर्ट नहीं किया। किसने सपोर्ट नहीं किया? चाइना ने भी सपोर्ट नहीं किया। तो क्या होता है कि अगर जैसे इसने बोल दिया कि नहीं भैया ये गलत बात है, हम इसको ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर नहीं कर सकते, तो सारे जन का क्या हो जाएगा? नहीं रहेगा ध्यान में। ये होता है वीटो पावर। तो एक तो पॉलिटिकली अपने को चाहिए, दूसरा इकोनॉमिकली। इकोनॉमिकली क्यों? व्यापार करने के लिए। आप तो ऐसे सुनते हो कि जैसे कोई मटेरियल, शूज ये कंट्री का है, सेलफोन ये कंट्रीज का है, उससे क्या मिलता है? अपने जो देश में है कामगार मिलता है, काम मिलता है, समझ रहे हो? क्या मिलता है अपने देश में? काम मिलता है। और सबसे दुनिया की सबसे मतलब जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है? काम और पैसा, ठीक है? तभी तो दूसरे देश से क्या आता है? FDI आता है। FDI आएगा तो यहाँ कंपनी खुलेंगी, कंपनी खुलेंगी तो अपने को काम मिलेगा। रहेगा ध्यान में। और थर्ड फैक्टर क्या है अपने तरह? मिलिट्री। अब भैया समझ लो कि मेरे तरफ से अमेरिका मेरा दोस्त है, हम चट्टे बट्टे, तो सीधी बात है कि कोई छोटा कंट्री है ना, मेरे से मच नहीं करेगा, ठीक है? जैसे एक नॉर्मल सी बात है, अपन झगड़ा भी करने जा रहे हैं, 2-4 बॉडी बिल्डर अपन ने रख लिया आजू बाजू, कोई आता क्या अपने से पंगा लेने के लिए?
नहीं आता, याद रहेगा। तो ये तीन पर्पस के लिए होता है, ठीक है। और एक चीज आपको हमेशा याद रखना है, ये जो SCO है ये ग्रुप भी ये तीनों पर्पस के लिए बनाएगा, समझ रहे हैं क्या? जैसे एक नाटो है, समझना थोड़ा सा कैसा आप। अब देखो आपने मेरे पहले के एक दो लेक्चर किए होंगे, ग्रुपिंग पढ़ा होगा तो आपको आइडिया आ सकती है, अदरवाइज नहीं आ रही होगी तो थोड़ा समझने की कोशिश करें। ये जो है SCO किधर साइड है, ईस्ट साइड, राइट साइड है, ठीक है। सिमिलरली एक ऐसी गुच्छा इधर साइड है, कौन से साइड में, वेस्ट। जैसे मैं आपको क्या बता रहा हूं, जो कोल्ड वॉर हो रहा था, कोल्ड वॉर किसके बीच में हो रहा था, समझना मैं क्या बोल रहा हूं। देखो कोल्ड वॉर क्या हो रहा था, ये जो अपना कंट्री है, वर्ल्ड है, वर्ल्ड में क्या हो रहा था, इधर वाला गुच्छा नहीं गया, ईस्ट वाला अलग हो गया। ईस्ट वाला मतलब भैया झगड़ना तो है, तो आप क्या, जैसे एक दो छोटे छोटे थे भैया, आजू बाजू मिलकर क्या कर लिया, इन्होंने अपना गुच्छा बना लिया, ठीक है। उसको अपन ने क्या बोल दिया, समझ लो SCO बोल दिया, फिलहाल अपन समझ लो। और दूसरे को क्या बोल दिया मैंने, नाटो। नाटो को लीड करने वाला कौन था, गुरु कौन था उनका, अमेरिका। कौन था गुरु इनका, अमेरिका। और इधर इनका गुरु कौन था, सोवियत यूनियन या रूस, समझ रहे हैं। इधर वाले गुच्छे को लीड करने वाला सोवियत यूनियन, इधर वाले गुच्छे को लीड करने वाला अमेरिका। ये भैया था सोशलिस्ट, सोशलिस्ट मतलब यह कम्युनिस्ट, क्या बोलते हैं हम उसको, कि जो भी है आप ग्रोथ करो इकोनॉमी में, कुछ भी करो, अंडर किसके कंट्रोल में रहेगा, गवर्नमेंट के अंडर, किसके गवर्नमेंट के अंडर। और ये जो है नाटो, ये कैसा था, कैपिटलिस्ट, कैपिटलिस्ट मतलब प्राइवेट, पूंजीवाद, समझ रहे हो। ये क्या, ये पूंजीवाद है और ये सोशलिस्ट है, कम्युनिस्ट बोल सकते हैं, ठीक है। इसमें कुछ भी करो आप, किसके अंडर में करना पड़ेगा आपको, गवर्नमेंट के अंदर रहेगा, ध्यान में, गवर्नमेंट के अंडर। और ये किसके अंडर करना पड़ेगा, ये क्या है, प्राइवेट, ठीक है, याद रहेगा इतना। अब उसके बाद क्या हुआ, ये 1991 में ये टूट गया, टूट गया तो इसकी कंट्री बिखर गई, मतलब जो भी कंट्रीज थी, ठीक है, वो कंट्रीज ने आके क्या बना लिया, समझो SCO बना लिया, ठीक है। अब जो इधर वाला गुच्छा है, इधर वाला जो नाटो है, ये क्यों ग्रुप बनाए थे इन्होंने, पता है, सिर्फ मिलिट्री पर्पस के लिए। अब बोलोगे सर ये मिलिट्री पर्पस क्या होता है। अब जो इसमें छोटे छोटे कंट्रीज, इनको लग गया भैया डर, किस चीज का डर लग गया, कि भैया एक तो वॉर वगैरह हो सकता है, वॉर वगैरह हो गया तो क्या हो जाएगा भैया, अपने पे तो आफत आ जाएंगे। पहले जब अपन छोटे 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 इन द सेंस कि कॉन्टिनेंट उतना बड़ा नहीं, जैसे कि अमेरिका वगैरह, ठीक है, या रशिया वगैरह, वैसे वैसे तो है नहीं। तो इन्होंने मिलिट्री पर्पस के लिए, और इनका एक ही मुद्दा था बोलने का, क्या, अगर मेरे दोस्त पे अटैक हुआ, मतलब ये किसके ऊपर अटैक हुआ, मेरे पे अटैक हुआ, समझ रहा है क्या। जैसे कि गुच्छे में आज करीबन इसके 28 मेंबर्स होंगे, करीबन इसे कितने मेंबर है आज के दिन में, 28 मेंबर्स, 28 मेंबर कंट्री है। इनका क्या कहना है, अगर आप मेरे एक मेंबर पे अटैक करोगे, इसका मतलब क्या है, आपने 28 मेंबर्स पे क्या किया, अटैक किया, रहेगा, समझा। ये नाटो है, नाटो किधर साइड है, इधर साइड, वेस्ट साइड, ठीक है, अमेरिका लीडर है उसका, इतना समझ गया। जैसे मैं बता रहा था अमेरिका इधर है, तो इधर का लीडर कौन, नाटो। इधर का लीडर कौन था, सोवियत यूनियन। पर वो क्या हो गया, टूट गया। टूटने के बाद क्या हुआ, कुछ सालों बाद क्या बना, गुच्छा बना। गुच्छा किसका बना, ये कुछ कंट्रीज का बना, ठीक है। ये जो यहाँ के कुछ कंट्रीज है, ये किसके हैं, गुच्छे के, सोवियत यूनियन के ही है। तो इन्होंने क्या बनाया, SCO, क्या बनाया, SCO। शंघाई एक जगह है, कहां पे, ये चाइना में, रहेगा ध्यान में। SCO का हेड ऑफिस उतना आइडिया नहीं, इसका पता है मुझे, इसका ब्रुसेल में है, शंघाई में ही है ना, शंघाई में ही है। एक चीज याद रखना, इसका कहां पे है ऑफिस, हेड ऑफिस नाटो का, कहां पे, ब्रुसेल, बेल्जियम जो कैपिटल है उसकी, ठीक है, पता है ना, बेल्जियम तो सुना होगा आपने, उसके कैपिटल में। और ये शंघाई कहां पे, एक शंघाई चाइना में जगह है, चाइना में एक जगह है, वो क्या है, शंघाई कॉर्पोरेशन, वहां का गुच्छा, क्लियर है। ये किस लिए बनाया गया, आपको समझ गया, पॉलिटिकली, राजनीतिक, इकोनॉमिक, आर्थिक, और लास्ट मिलिट्री। मिलिट्री को क्या बोलेंगे हिंदी में, आर्मी के लिए, सिक्योरिटी के लिए, ठीक है। और ये जो नाटो बना था, किस चीज के लिए स्पेशली बना था, मिलिट्री के लिए। कॉपी में लिख लूंगे थोड़ा सा सेपरेशन करके, ठीक है बेटा। ऑनलाइन में आवाज आ रही है मेरी, रहेगा ध्यान में। अब देखो अपन ताकत देखते किसकी कितनी है, ताकत देखते अपन। अब आपको भली बात ही पता है कि चाइना एक भैया नाम सुना हुआ है, मतलब ताकतवर तो होगा,
रशिया का भी नाम सुना है आपने, अपने देश इंडिया का भी सुना है आपने, और पाकिस्तान, पाकिस्तान का भी आपने सुना होगा। तो ये जो चार कंट्री है आपको मोटा मोटी बताऊंगा ये क्या है, इनके पास न्यूक्लियर पावर है, पता है क्या आपको? न्यूक्लियर पावर मतलब इनके पास क्षमता किस चीज की है, न्यूक्लियर बम की क्षमता, इतना पता है। उसके बाद अगर आप देखें तो चाइना और रशिया ये यूएन सिक्योरिटी यूनाइटेड नेशन के कैसे परमानेंट मेंबर, परमानेंट मेंबर पता है क्या आपको, जिनके पास क्या है वेटो पावर, समझ रहा है? ये आठ कंट्रीज में से ये जो चार है पहले, इनके पास तो न्यूक्लियर पावर की क्षमता है, साथ ही साथ क्या बोला हमने, इसमें से जो दो है चाइना और रशिया, इनके पास क्या है परमानेंट मेंबर है यूएनएससी में, ठीक है, सिक्योरिटी काउंसिल में, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, और ये क्या है परमानेंट मेंबर है, ऐसे हम क्या बोल सकते हैं, इनके पास क्या है वेटो पावर, रहेगा ध्यान में। और जो 20% लैंड है, लैंड एरिया, वो किसका किसका है, चाइना रशिया और इंडिया, ये तीनों को मिला के मोटा मोटी, ये सब तो छोटे छोटे उतने बड़े नहीं, रहेगा ध्यान में, ये तीनों को मिला के कितना है नियर अबाउट 20% लैंड एरिया क्या कर रहे हैं वो कवर कर रहे हैं। और एक चीज आपको याद रखना है कि 2017 में, ठीक है मैं इसे रब करता हूं थोड़ा सा, देखना थोड़ा इधर क्या बोल रहा हूं मैं, पहले क्या था ये करीबन, ये 1996 की बात कर रहा हूं मैं, कौन से साल की बात कर रहा हूं 1996। और एक चीज, कब सोवियत यूनियन का टूटना हुआ, विखंडन हुआ, डिवीजन कब हुआ, 1991, कब की बात कर रहा हूं फिर मैं, 1996 की, 1996 में क्या हुआ कि पहले ये पांच लोग थे सिर्फ, कितने लोग थे पांच लोग, कौन से इसमें मैं नाम लिख देता हूं, जैसे कजाकिस्तान, हाँ कजाकिस्तान, और दूसरा किर्गिस्तान, तीसरा चाइना, चौथा रशिया, और पांचवा बेटा तजाकिस्तान, ताजिकिस्तान होता है, ठीक है। तो आठ में से 1996 की बात करो, पहले कितने थे ग्रुप मिला के इनके, पांच, कितने थे ये पांच, पांच ये थे जो मैंने यहां लिखे, कौन से नहीं थे, उज्बेकिस्तान नहीं था, इंडिया नहीं था, और पाकिस्तान नहीं था। फिर उज्बेकिस्तान, जो उज्बेकिस्तान है ये 2001 में इनसे जुड़ गया, समझ रहे हो क्या, 2001 में कौन जुड़ा इनसे, उज्बेकिस्तान, और 2017 में इंडिया जुड़ गया, और साथ ही साथ कौन जुड़ गया इनसे, पाकिस्तान, वही टाइम पे वही ड्यूरेशन में वही साल में जुड़े। क्या बोला है हमने कि जब 1991 में डिसइंटीग्रेशन हुआ किसका, ये जो यहां पे हमने बोला था कजाकिस्तान था जाके, ये सब बोला था हमने, इनका क्या होगा डिसइंटीग्रेशन, सोवियत यूनियन टूट गया, उसके बाद क्या हुआ इनका जब ग्रुप फॉर्म हुआ तो ये कितने लोग थे, पांच लोग, किसको किसको छोड़ के, उज्बेकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान, ठीक है 1996 की बात कर रहा हूं मैं। 2001 में क्या हुआ, उज्बेकिस्तान जुड़ गया इनसे, और 2017 में क्या हुआ, इंडिया और पाकिस्तान क्या हो गया, जुड़ गया। अब एक चीज आपको समझने वाली बात याद रखना है, क्या याद रखना है, जैसे कि मैं आपसे पूछता हूं कि जैसे कनिष्क अपन बिजनेस चलाते हैं, तो बिजनेस में क्या होता है जो सबसे मेन मेंबर है, जैसे ये कोई बिजनेस है, बेटा अपना कौन सा बिजनेस है, बिल्डिंग मटेरियल, कोई भी है ठीक है अपन लिख देते हैं, चलो अभी हम कनिष्क की बात करते हैं। अब बिल्डिंग मटेरियल में आपके कोई हेड होंगे डायरेक्टर, जो मालक है उनके, तो वहां कहा वो कहां बैठेंगे, यहां बैठेंगे। वैसे ही एससीओ में कितने मेन मेंबर है, आठ है ना, आठ लोग यहां बैठ गए, ठीक है ये मेन मेंबर है। अब इसके बाद कौन से मेंबर बैठेंगे, डायलॉग मेंबर, कौन से मेंबर बैठेंगे, डायलॉग मेंबर्स। डायलॉग मेंबर्स क्या कर सकते हैं, ये जो सीखे हुए पहले से मेंबर्स हैं, इनके आजू बाजू बैठ सकते हैं, इनसे गाइडेंस ले सकते हैं, पूछ सकते हैं, इनको क्या बोलते हैं अपन, डायलॉग मेंबर्स, क्या बोलते हैं, डायलॉग मेंबर्स, याद रहेगा क्या। और लास्ट में कौन से मेंबर होते भैया, जो ऑब्जर्वर होते, ऑब्जर्वर वाले मतलब सिर्फ जाएंगे भैया देखेंगे कैसा काम कर रहे कैसा नहीं कर रहे, वो समझो मैं क्या बोल रहा हूं।
एक तो भैया जो हम मेन मेंबर है डायरेक्टर्स, वो कहां बैठेंगे? आगे में बैठेंगे, इनका डिस्कशन चलेगा जो भी पैनल है, जैसे बजट उजट डिस्कस करना। अभी मैं आपको बताऊंगा कि कौन से इसमें मेन बॉडी है, ठीक है। जैसे स्टेट ऑफ हेड काउंसिल ये सबसे बड़ी पोस्ट है भाई। सबसे बड़ी पोस्ट मतलब यही मेन डिसीजन बॉडी है। कौन है ये? मेन डिसीजन बॉडी है। बजट कितना एलोकेट करना है, ठीक है, क्या हमारी पॉलिसीज रहेंगी, ये सब यहां से डिसीजन आएगा, रहेगा ध्यान में, सबसे मेन। इसके नीचे जो है स्टेट ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट काउंसिल, ये भैया किसके लिए रहेगा? ये नॉर्मली व्यापार वगैरह के लिए, किसके साथ ग्रुप बनाना है, किसके साथ अपने को, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं, किसके साथ ग्रुप बनाना है, किसके साथ गुच्छा बनाना है, कैसे व्यापार करना है, ये सब इसमें, समझ रहा है? ये सबसे मेन बॉडी। उसके नीचे ये बॉडी किसके अंडर? एससीओ के अंडर, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है इतना? अब जो अपन ने बोला कि भैया जो पहले मेन लोग है वो डायरेक्टर यहां बैठ गए, डायरेक्टर में कौन कौन बैठेगा? जो अपने 8 कंट्रीज है, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, रेगिस्तान, ठीक है, और चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, और कौन से, रशिया और एक पाकिस्तान, ठीक है। ये क्या है? 8 लोग क्या है? मेन मेंबर्स, ठीक है, हम समझ लेते हैं अपने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या है ये? मेन मेंबर्स है। अब भैया ऑब्जर्वर कौन कौन है? बाहर वाली बात कर रहा हूं मैं, ऑब्जर्वर तो इसमें अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान भी क्या कर रहा है? ऑब्जर्वर कर रहा है, मतलब जाके देख रहा है वहां पे, ठीक है। उसके बाद बेलारस है, ईरान है, ये क्या है? मंगोलिया है, सही बेटा। ये सब कंट्रीज क्या है? ऑब्जर्वर है, सिर्फ जाके क्या कर रहे, देख रहे कि इनका कैसा मीटिंग होता है, ये जो ग्रुप बना के जो डिसीजन लेते हैं क्या ये इंप्लीमेंट कर पाते हैं नहीं कर पाते, समझ रहा है आपको? जैसे किसी को इंटरेस्ट है भैया अपने बिजनेस में ऐड होने के लिए, तो पहले क्या करता है, वो देखता है सही में फायदा हो रहा कि नहीं हो रहा, नहीं तो जबरदस्ती आके अपने से गधा हमाली करा लिया, तो ये देखने वाले। अब जो इससे आगे स्टेप में चले गए, मतलब जो अब क्या करेंगे, जो ये पुराने मेंबर्स है, समझ रहे हो, ये पुराने मेंबर जो परमानेंट मेंबर्स है, इनके आजू बाजू बैठ सकते हैं, मतलब डिसीजन कैसे लेते हैं, वर्किंग कैसा है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? डायलॉग मेंबर्स। क्या बोलते हैं? डायलॉग मेंबर्स, रहेगा ध्यान में। उसमें कौन से है? जैसे कि अजरबैजान और आर्मेनिया और तुर्की और श्रीलंका, बिल्कुल सही बेटा, और नहीं नहीं इतना नहीं जाना अपने को, नेपाल है, कंबोडिया है, रहेगा ध्यान में, समझा क्या बोला मैंने? मेन मेंबर्स उनके साथ बैठ सकते, मतलब ये सब क्या कर सकते, बैठ सकते, देख सकते अच्छे से, ठीक है, वो डायलॉग मेंबर्स, रहेगा ध्यान में। और उसके बाद जो देखने वाले सिर्फ, वो क्या है? ऑब्जर्वर, याद रहेगा कौन से कंट्रीज है, क्लियर रहेगा। इनमें भाषाएं कौन सी बोली जाती है? तो 2 भाषाएं भैया, एक है रशियन और एक है मैंड्रिन। ये कामों के लिए, ऑफिशियल कामों के लिए जो भाषा बोली जाती है, कौन सी है? रशियन और मैंड्रिन। अजरबैजान कंट्रीज है जो डायलॉग है, डायलॉग मेंबर्स कौन सी? अजरबैजान, आर्मेनिया, तुर्की या टर्की, श्रीलंका, नेपाल, कंबोडिया, कनिष्क समझा? ये कंट्रीज क्या है? डायलॉग मेंबर्स, मतलब जो पुराने मेंबर्स के साथ बैठ सकते, देख सकते। और ये ऑब्जर्वर क्या है? ये दूर से देखने वाले, कैसा चल रहा भैया, समझ रहे हो, अपन बिजनेस उजनेस भी चालू करते तो कुछ लोग जो अपने साथ मिलकर काम करते अपन उसको सिखाते, और कुछ लोग दूर से ही देखते, रहेगा ध्यान में, ओके। हाँ चलो अब देखते हैं भैया अपन, तो एक चीज अपने को समझना पड़ेगा, क्या समझना पड़ेगा, ये जो एससीओ है मैंने आपको बता दिया, इसका पॉपुलेशन कितना है टोटल? 42%। आपको पता है जो डेवलप कंट्रीज है, जैसे अमेरिका हो गया या इधर में फ्रांस, ब्रिटेन, इधर पॉपुलेशन कम है क्या? इधर पॉपुलेशन कम है, उधर का पॉपुलेशन तो अपने एक एक स्टेट के इतने है, रहेगा ध्यान में। जैसे अपने क्या है, इंडिया है, चाइना है, ये सब की क्या है पॉपुलेशन? ज्यादा है। तो हमने पॉपुलेशन कितना बोला था? 42%। कितना बोला था पॉपुलेशन? 42%। और ग्लोबल जीडीपी कितना बोला था हमने? बोलो ग्लोबल जीडीपी कितना बोला था? 20%, रहेगा ध्यान में। अब अगर अपन थोड़ा सा नाटो को और एससीओ को अलग अलग करें, समझ रहा मैं क्या बोल रहा हूं, एक तरफ नाटो, एक तरफ एससीओ, मैं आपको कंपैरिजन इसलिए बता रहा हूं कि ताकि आपको अच्छे से याद रहे,
समझो क्या बोल रहा हूं मैं। नाटो कौन से साइड में है? वेस्ट साइड में है, ठीक है। यस्यो कौन से साइड में है? ईस्ट साइड में रहेगा, ध्यान में। हाँ तो क्या बोल रहा हूं मैं कि हम देखेंगे भाई कि कारण क्या क्या है। कारण यहां बोलते हैं यस्यो से इंडिया जुड़ा क्यों है, रिलेवेंस क्यों है उसका, ठीक है। तो पहला अपन ने बोल दिया कि भैया ये जो रीजनल टेररिज्म है, जो आतंकवाद होता है जगह जगह पर आजू बाजू जो कंट्रीज के इधर उधर होता है, वो अपन देख सकते। क्यों देख सकते हैं? क्योंकि इसमें क्या है, एक तो चाइना भी है, ठीक है, उससे अपने को भी थ्रेट है। अब गुंडे को ही अपना दोस्त बना लो तो थोड़ा अपन रहते सिक्योर्ड रहते, समझ रहे हो नहीं समझ रहे, ठीक है। जैसे चाइना है, पाकिस्तान है, तो एक अपन बोल सकते कि देखरेख करने के लिए, जैसे अगर अपने गुच्छे में कुछ चल रहा है तो अपने को आइडिया तो रहेगा कि भैया कौन किसको सपोर्ट कर रहा है, कौन किधर जा रहा है, ठीक है। तो एक रीजनल टेररिज्म से लड़ने के लिए, ठीक है। दूसरा हम क्या बोलेंगे कि जैसे आपने अभी पढ़ाऊंगा अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान में क्या चल रहा है, ठीक है। अब अफगानिस्तान में क्या चल रहा है, तो अफगानिस्तान में अपन ने देखा कि इसमें क्या हुआ, जो 1911 अटैक पता है क्या आपको? Yes, कल से भी रिलेटेड था अपना, कब का ये डेट था, ये 2001 का आइडिया है कुछ? तो इसमें क्या हुआ कि तालिबान जो है, ठीक है, देखो अलकायदा जैश मोहम्मद, इन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, किस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि इन्होंने 9/11/2001 को क्या क्या इन्होंने अटैक किया। अब तुम्हें एक चीज पता है, नाटो का नियम क्या था, एक को मारा मतलब हम सबको मारा, ये आपको नियम पता है उसका। तो उसके लिए क्या टास्क फोर्स भेजे गए अफगानिस्तान में लड़ने के लिए। अब अफगानिस्तान इतना बेवकूफ तो कंट्री नहीं किसी के ऊपर अटैक करेगा, इसके अंदर होंगे कुछ टेररिस्ट वगैरह, जैसे कि तालिबान की बात करें आज के डे में, जैसे दोहा डिक्लेरेशन हो रहा है, बातचीत चल रही है वहां पे, ये सब हो रहा है, इतना तो आइडिया होगा आपको, ठीक है। तो अफगानिस्तान के पॉलिटिक्स में अपन इंटरफेयर कर सके। अब क्यों कर पाएंगे, देखो जो यूएस था, यूएसए आपको पता है अब ये क्या कर रहा है, अफगानिस्तान से अपनी मिलिट्री फोर्स क्या कर रहा है, वापस ले रहा है, वापस ले लिया। अब भैया ये वापस आ गया तो यस्यो क्या कर रहा है, ट्राई इसके अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है, समझो क्या बोल रहा हूं मैं, ये भैया भगने की कोशिश कर रहा है, अब निकलने की कोशिश कर रहा है जॉय बिडेन आने के बाद, पता है ना सभी को। तो अब ये जो यस्यो था, ये क्या सोच रहा, कहां घुसू मैं, अफगानिस्तान। यस्यो से छोड़ो, जो इंडिया है, इंडिया का क्या हो रहा है, इंडिया इंडिया को हेल्प मिल सकती है कि अफगानिस्तान में क्या कर सके वो अपना पॉलिटिकल या सॉफ्ट स्किल जो भी अपना क्या कर सके वो वहां पे शो कर सके, इतना क्लियर रहेगा। पहला अपन ने बोलते कि टेररिज्म जो भी आतंकवाद इधर उधर फैल रहा है उसके ऊपर मॉनिटरिंग कर सकता है। दूसरा क्या बोले अपन ने कि वो जियो पॉलिटिकल में अपना क्या कर सकता है, इसके अंदर घुस सकता है, किसके मदद से, यस्यो के मदद से। उसके बाद अपन देखते हैं कि जो भी बायलेटरल रिलेशन है, देखो आपको मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि इसमें पाकिस्तान भी है, यस्यो में पाकिस्तान है और जो भी आजू बाजू की कंट्रीज है। अब भैया अगर अपन एक ही ग्रुप में रहेंगे, ठीक है, एक ही ग्रुप में रहेंगे, अपन कहीं मिल रहे हैं तो क्या होगा, उससे अपना आपस में व्यापार भी बढ़ सकता है, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, कि इकोनॉमिकल पर्पस में क्या होगा, जैसे अपन सब मिलके, अपन यहाँ 10 लोग मिलके, अब भाई रोज मिल मिल के तो अपन क्या करते, कभी शेयर भी कर लेते कुछ कि भाई ये ले काम कर, तुम्हें तब से पेन ले, तू अपने क्या करते देना, मुझे कॉपी देना। तो इससे क्या हो सकता, अपन रीजनल जो अपना इकोनॉमिक पर्पस है वो क्या कर सकते, अपन शेयर कर सकते हैं, या इकोनॉमिकली ट्रेडिंग सिस्टम अपन क्या कर सकते हैं, ऑपरेट कर पाएंगे। एक चीज क्लियर होगा, जैसे कि इंडिया को भैया देखो रशिया से भी आजकल इंटरेस्ट नहीं रहा, ना चाइना से इंटरेस्ट, पाकिस्तान से तो है ही नहीं, इंटरेस्ट किससे है, CAR। अब बोलोगे ये सर CAR क्या है, तो ये सेंट्रल एशियन रीजन, समझो हा मैं क्या बोल रहा हूं, सेंट्रल एशियन रीजन। SCO में टोटल 8 कंट्री, 8 कंट्री में से 3 कंट्री तो निकाल ली दो, इंडिया को कोई इंटरेस्ट नहीं है या उससे कम करना चाहता है वो अपना जो भी है दोस्ती वगैरह। देखो रशिया तो ठीक है अपना दोस्त है, उससे दोस्ती में कोई मतलब अपने को कोई तकलीफ नहीं है। मेन मुद्दा किससे अपने को, चाइना, पाकिस्तान से तो अपने जमता च नहीं, मतलब उनको जमाना नहीं है, ठीक है। तो इंडिया को सबसे ज्यादा इंटरेस्ट किस में है, ये इसमें, कौन से इसमें, सेंट्रल एशियन रीजन। जो बचे हुए कंट्रीज है ना, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ये सब बचे हुए कंट्रीज है ना 5, उसमें इंडिया को इंटरेस्ट है। किस लिए इंडिया को इंटरेस्ट है, ताकि वो क्या कर सके, अपना व्यापार कर सके, समझ रहे हो, बायलैटरल
या ट्राइलेटरल जो भी हो सके उसमें क्या कर सके, वो अपना व्यापार कर सके। तो इंडिया किस लिए घुस रहा है? इंडिया तो अभी भी बोला, इंडिया किस लिए घुस रहा है? देखो सबसे मेन चीज क्या है, अफगानिस्तान और अमेरिका वहां से मतलब क्यों जा रहा है? क्योंकि उसके कई अमेरिकन फोर्स जो मेंबर्स हो क्या जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं। किस वजह से? क्योंकि वहां पे आपने सुना होगा तालिबान को एरिया को कंट्रोल करता है, वहां पे डेमोक्रेसी नहीं, मतलब जो अफगानिस्तान का ये है वहां पे गवर्नमेंट को रूल करने नहीं मिल रहा है। तो तकलीफ किसको हुई उसमें? अमेरिका घुस गया, ठीक है, पर अमेरिका का ही तो फोर्स जा रहा, पैसा जा रहा। भैया मैं अपना मिलिट्री फोर्स तेरे कंट्री में रखूंगा, पैसा नहीं जाएगा मेरा, समझ रहा? निकालना तो है, अब वो निकाल रहा। तो इंडिया ऐसा नहीं कि वहां पे बिजनेस पर्पस तो चल जाएंगे, पर कब चलेंगे? अमेरिका को भी कब फायदा होगा, अमेरिका को भी कब खुशी होगी, कब उसको व्यापार होगा उसका? अभी तो व्यापार भी नहीं हो रहा है, सिर्फ उसका फोर्स मारा जा रहा है। और आपको एक चीज मैं बता दूं, अमेरिका को डर है, किस चीज का डर है? तालिबान का भी, कि तालिबान अटैक कर देंगे, समझ रहे? जो अटैक किया था उन्होंने, जो जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसने लिया था, JEM जो अपन बोलते हैं, जैश ए मोहम्मद, समझ रहे हो, ये सब इन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी। पर एक चीज क्या है, तालिबान भी डर से, क्योंकि USA या अमेरिका इतना बड़ा पावर है, अगर वो चाहे तो पूरे कंट्री को निस्तनाबूद कर दो, समझ रहे हो? अभी रियल पावर किसके हाथ में, रियल अथॉरिटी, मान लो सुप्रीम पावर किसके पास है? इतना आप मानते हो यूएसए, इतना मानते हो? तो देखो बड़ा मेंबर है, वो बड़े काम करे तो कैसे, जो आजू बाजू के कंट्रीज है वो उसके ऊपर क्या करेंगे, भरोसा करेंगे, समझ रहे हो क्या, भरोसा करेंगे। जैसे कि ये अफगानिस्तान में घुस गया, या हम अमेरिका की बात करते हैं, और कोई कंट्री में घुस गया, जैसे ईरान पे सैंक्शन करता है, ईरान पे घुस गया था, वहां का जो अथॉरिटी था या जो भी, उसको क्या हटा दिया था उसने, तो इससे क्या था, आजू बाजू के कंट्रीज में क्या था, डिस्टर्बेंस आता कि भैया कभी अपने साथ भी हो गया तो, समझ रहे हो क्या? जैसे अभी की मैं रिसेंट की बात बताता हूँ, एक दो दिन की, जापान ने म्यांमार जो है, म्यांमार कंट्री का सैटेलाइट, उसको उड़ाने से मना कर दिया। हम भैया नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, मैं आपको पढ़ा चुका हूं म्यांमार, क्यों, सत्ता पलट गई वहां पे, समझ रहे हो क्या? पर इससे अपने को क्या फायदा हो सकता है? देखो अपन अपने फायदे की बात करते हैं, ये तो इसने बोल दिया कि भैया हम नहीं उड़ाएंगे, अभी क्या होगा, जो आजू बाजू के छोटे छोटे देश है जिनके पास इतना पैसा नहीं, क्या करें, अपना सैटेलाइट भेज सके, तो जापान को क्या समझेंगे कि भैया जापान तो अपना कभी भी सिस्टम पलट देता है, ठीक है, एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, इसने उसको जबान दी कि मैं तेरा सैटेलाइट भेजूंगा, ठीक है, पर अभी भेज नहीं रहा, तो आजू बाजू के कंट्री छोटे छोटे क्या समझेंगे, जापान अपनी पॉलिसी कभी भी बदल देता, समझ रहा है? तो बाकी सब दूसरे कंट्रीज कहां पे आएंगे, इंडिया के पास आएंगे, और इंडिया के पास इतना दम है कि दूसरे के भी सैटेलाइट को क्या कर सके, भेज सके। मैं आपको पढ़ा चुका है अमेज़ोनिया के बारे में, याद है नहीं, रहेगा ध्यान में। तो इंडिया को सबसे ज्यादा इंटरेस्ट किस में है, सेंट्रल एशियन रीजन में, जो बचे हुए 5 मेंबर्स हैं, याद रहेगा इतना, ओके। और इकोनॉमिक पर्पज से देख लिया, जैसे कि कनेक्टिविटी की बात करता हूं, तो कुछ कुछ प्रोजेक्ट है, जैसे कि ईरान पाकिस्तान इंडिया, ये सब भी क्या है, पेंडिंग प्रोजेक्ट्स है, ये सब में भी इंप्लीमेंट लाना है। या तापी की बात करते हैं, तुर्कमिस्तान अफगानिस्तान पाकिस्तान इंडिया, ठीक है, ये पाकिस्तान की वजह से अभी भी क्या है, बंद पड़ा है या पेंडिंग में पड़ा हुआ है, रहेगा ध्यान में। अब अपन मेन चीज क्या देखेंगे कि इंडिया के लिए चैलेंजेस क्या क्या, देखो ये अपन ने देख लिया कि रिलेवेंट मतलब जुड़ा कैसे इंडिया उससे, ये देख लिया अपन ने। अब इंडिया के लिए चैलेंज क्या क्या है, अगर वो ग्रुप में भी है तो उसके लिए चैलेंज क्या क्या है, चैलेंज मतलब उसको कठिनाइयां कौन सी, तो चलो मैं आपको कठिनाइयां बताऊंगा जल्दी से, टाइम चलेगा अपना डाउट बताने में, चलो कोई नहीं, कम से कम क्लैरिटी तो आया आपको कॉन्सेप्ट। अब देखेंगे अपन चैलेंजेस, क्या देखेंगे अपन चैलेंजेस। तो भाई एक चीज तो आपको पता है, ये SCO कहां पर है, शांघाई कहां पे, चाइना। आपको इतना समझता, जिसका एरिया उसी का बोलबाला, मतलब ये क्या है, चाइना डोमिनेंट, डोमिनेंस मतलब जो ज्यादा हक नहीं बोलते क्या अपन, किसका रहेगा, चाइना का रहेगा, घरेलू समझ लो, जैसे मेरा एरिया है तो मेरा दबदबा रहेगा, वही किसका डोमिनेंट है, ये चाइना का। और आपको पता होगा चाइना का क्या है, चाइना का क्या कहना है, बेल्ट रोड एंड इनिशिएटिव, पता है आपको बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, चाइना का आपको पता है नियम क्या है, एक तो भैया किसी को डेप ट्रैप कर दो, उधारी में डुबा दो, ठीक है, दूसरा क्या करना, जो भी उसके प्रोजेक्ट है कहीं पे भी क्या कर दो, पैसा दे दो। जैसे आपको भी पता होगा श्रीलंका बेस्ट एग्जांपल है अपने पास, श्रीलंका में हम्बन टोटा पोर्ट, पता है आपको पोर्ट बंदरगाह, ठीक है, हम्बन टोटा
ये पोर्ट पे क्या कर लिया, श्रीलंका को डेबिट ट्रैप में डुबा दिया। डेबिट ट्रैप मतलब कर्ज में, रहेगा धन में, वही चीज का इसकी पॉलिसी। और तो ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है, इसको इंडिया ने सीधा बोल दिया हमको इंटरेस्ट नहीं है भैया, हमको नहीं करना है तुम्हारे साथ। पर एक चीज आपको समझ रहे चैलेंजेस क्यों है, क्योंकि जो बाकी सारे कंट्रीज है वो सबने इसका जो ये बीआरए इनिशिएटिव है या बीआरए जो मॉड्यूल है सबने एक्सेप्ट कर लिया, इंडिया ने एक्सेप्ट नहीं किया। अब आपको समझ रहा है, सब लोग जैसे कि सब लोग को क्या पसंद है, सब लोग को आइसक्रीम पसंद है, इंडिया ने बोल दिया भैया हमको आइसक्रीम पसंद है, तो लोग क्या करते हैं, हाँ जान दे तू अलग है, समझ रहे हो, देखा है आपने लगभग। तो वैसे इंडिया क्या हो सकता है, आइसोलेट, आइसोलेट मतलब बिल्कुल अकेला पड़ सकता है, समझ रहे हो कनिष्क क्या बोल रहा है, बिल्कुल अकेला पड़ सकता है। जैसे सातों को पसंद है बीआरए से क्या है सब जुड़े हुए, पर इंडिया ने बोला नहीं हमको नहीं जुड़ना, समझ रहे हो, और डोमिनेंस है चाइना का ये अपन ने देख लिया। साथ ही साथ क्या कर सकते हैं अपन, ये जो पाकिस्तान में जो भी टेररिज्म होता है, पाकिस्तान टेररिज्म पता है आपको, आतंकी, ठीक है, उसमें क्या है आपने देखा होगा पाकिस्तान तो लगभग टेररिज्म में क्या करता है, पैसा लगाता है, पर चाइना हर बार उसको सपोर्ट करता है, समझ रहे हो क्या। तो चाइना क्या कर सकता है, अपना दिमाग भी इस्तेमाल कर सकता है, किस लिए, भैया इंडिया थोड़ा ग्रोथ करा, एक काम करो चलो अटैक करवा दो, किससे, फिर सपोर्ट कैसे करेंगे अपन, अपन उसको यूनाइटेड नेशन के उसमें सपोर्ट करेंगे। बताया था मैंने आपको कि पांच लोगों के पास वीटो पावर है, उसमें चाइना के भी पास है। अब भैया चाइना बोलेगा अटैक करवा दे, सपोर्ट मैं कर दूंगा, तेरा जो भी मेंबर है ग्लोबल टेररिस्ट नहीं और ये होगा, तेरे को मैं होगा तो ग्रे लिस्ट में सपोर्ट करूंगा निकलने के लिए, ये सब फालतू के जो भी है सपोर्ट करेगा, तो क्या है ये अपन बोल सकते हैं स्टेट मतलब स्पॉन्सर्ड वाला ही मेंबर हुआ ना ये, भले ये नहीं कर रहा पर किसी से तो करवा ही रहा ना, अपराध तो ये भी हुआ, ठीक है। थर्ड अपन देखेंगे भैया, एक पहली बात नहीं कहा अपने को, ट्रस्ट डिफिशिएंट, ट्रस्ट मतलब भरोसा, क्या नहीं है अपने को, भरोसा नहीं, कैसे भरोसा नहीं है, जैसे चाइना और पाकिस्तान मिलकर गेम खेलते हैं वैसे मान लो रशिया और एक बार चाइना मिल गए तो क्या होगा, क्या तहस नहस होंगे सोच के देखो। अभी क्या है, चाइना और पाकिस्तान मिलकर गेम खेलते हैं, समझ रहे हो, किस कहते वो मिलकर गेम खेलते हैं, मान लो वही एक आध दिन चाइना रशिया के साथ मिल गया तो, भले रशिया अपना दोस्त है मान लो उसके साथ ही मिलकर गेम खेलने लग गया तो एक ट्रस्ट फैक्टर भी क्या है, कम है, भरोसा नहीं है, उतना भरोसा नहीं है। उसके बाद देखेंगे भैया लैक ऑफ कनेक्टिविटी, लैक ऑफ कनेक्टिविटी, आप बोलोगे सर ये कैसे, तो अगर आप देखो ना अपना नॉर्थ वेस्टर्न साइड में, नॉर्थ वेस्टर्न साइड में पूरा क्या है, पाकिस्तान, क्या है पूरा पाकिस्तान। अब अपने को कोई भी सेंट्रल एशियन रीजन से मंगाना है, अफगानिस्तान से मंगाना है, तो पहले अपने को क्या करना पड़ता है, पाकिस्तान को क्रॉस, पाकिस्तान देता है क्रॉस करने के लिए, नहीं देता है, अपने को इधर से घूम के जाओ उधर से घूम के जाओ, ऐसा वाला काम चलता है अपना, रहेगा ध्यान में, ठीक है। अब अपने को आगे क्या करना चाहिए, ये सब अपन ने देख लिया, ये फालतू का ना वो फालतू का, ऐसा नहीं चैलेंज नहीं ये वो, अब अपने को आगे क्या करना चाहिए, तो आगे देखो क्या करना चाहिए, तो पहली बात इंडिया को आगे क्या करना चाहिए, जो वो अपोज कर रहा है, जो अपनी वो स्टैंड ले रहा है कि भैया मैं बीआरआई बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो चल रहा है मैं उसको सपोर्ट नहीं करूं, तो अपने एक आवाज उठा के रखना चाहिए, हम लिख देते हैं वे फॉरवर्ड, हम लिख सकते हैं स्टैंड अलोन, स्टैंड अलोन मतलब अकेला खड़े रहे, किस चीज पर अकेला खड़े रहे, कि हम बीआरआई बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट जो किसका चलता है चाइना का, हम उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। दूसरा क्या बोलेंगे हम, कि और एक चीज क्या बोल सकते हैं अपन, कि जो रशिया के साथ अपना रिलेशन है, समझ रहे हो, या जो अपना सॉफ्ट स्किल है उसको यूज करके क्या करें अपन, जो आजू बाजू के कंट्रीज है उसको क्या कर सके अपन, दोस्त बना के रखें, रहेंगे ध्यान में। उसके बाद अपन बोल सकते हैं जो भी अपने प्रोजेक्ट है पेंडिंग प्रोजेक्ट, समझ रहे हो, जैसे कि चाबर पोर्ट, पोर्ट सुनेंगे आपने, चाबर पोर्ट कहाँ का ये, अभी मैंने आपको कुछ तापी वगैरह बताया था ईरान पाकिस्तान ये भी बताया था मैंने आपको, तो ये सारे प्रोजेक्ट के ऊपर क्या करें, वर्क करें जल्दी जल्दी से, समझ रहे हो क्या। जैसे चाबर पोर्ट की बात करता हूँ, आपने सुना अफगानिस्तान में है ना कुछ चाबर पोर्ट का, तो उसमें क्या हुआ कि चाबर पोर्ट बनाना तो था पर क्या हो रहा था, इंडिया ऐसा बोला गया कि इंडिया क्या कर रहा था, लेट कर रहा था पैसे देने में इंप्लीमेंट कराने में, तो ऐसा क्या हो सकता है कि कोई दूसरा ओवरटेक कर सकता है, ले सकता है वो, रहेगा ध्यान में, ओके। उसके बाद अपन क्या बोल सकते हैं कि ये पाकिस्तान के साथ है ना इंगेज हो, पर पाकिस्तान के साथ कैसे इंगेज हो, ये सिर्फ कंस्ट्रक्टिव पर्पज से, जैसे अपने को रोड बनाना है,
कुछ बनाना, तो ये पाकिस्तान के भी साथ क्या ग्रुप में क्या हो जाए, एंगेज हो जाए और क्या बनाए अपना अपना जो प्रोजेक्ट है उसको क्या करे, इंप्लीमेंट करे। और हमें कैसा रोल प्ले करना है, हमें कैसा रोल प्ले करना है कि जो हमारा सॉफ्ट स्किल है, ठीक है, उससे आजू बाजू के मेंबर कंट्रीज को क्या करना है, साथ में रखना है, और जो भी हमारा बायलेटरल रिलेशनशिप होता है उसको क्या करें अपन, इंप्लीमेंट करें, रहेगा ध्यान में। अब इसके बारे में जो और बताने वाली पॉइंट है, मुद्दे वाली बात है, जैसे कि मैं आपको टर्की के बारे में बताना चाहता हूँ पर ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट मैं आज नहीं बता सकता हूँ। बस आपको मैं मोटा मोटी एक चीज बता देता हूँ कि जो इसका 20वां समिट था, 20वीं मीटिंग थी, ये रशिया के प्रेसिडेंट ने करवाई थी, और इसका जो 19वीं मीटिंग थी, जैसे 19वीं मीटिंग की मेरे पास डिटेल है, ठीक है, 2017 में जब इंडिया और इंडिया और पाकिस्तान परमानेंट मेंबर बन गए थे एससीओ के, तो मीटिंग के कुछ डिटेल है, तो उन्होंने कुछ डिस्कस किया था। मैं आपको 19वीं मीटिंग की क्या दे रहा हूं, कुछ डिटेल दे रहा हूं, ठीक है, 19वीं मीटिंग की, 19वीं मीटिंग 2017 जब ये इंडिया और पाकिस्तान परमानेंट मेंबर बने थे, तो अपन इंडिया की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो सबने मिलकर आवाज उठाई थी, किस चीज की आवाज उठाई थी, कि जो भी ये टेररिस्ट जहां पे भी छुपते हैं, सेफ हेवन बोलते थे, सेफ हेवन समझते हैं, जैसे कि कोई भी टेररिस्ट है, आपको पता है कहां जाके छुप जाता हो, पाकिस्तान में, पता ही नहीं पता है आपको, और पाकिस्तान वाला बोलता कि नहीं हमारे इधर तो छुपच नहीं है, तो उसके ऊपर क्या बोला है कि भैया सेफ हेवन जो है उसको क्या करेंगे अपन, इरेडिकेट करेंगे, मतलब खत्म करेंगे, जो भी टेररिस्ट वगैरह ग्रुप है उसको क्या करेंगे अपन, खत्म करेंगे, ठीक है, ये चीज पे बात हुई थी। दूसरा बोला गया था कि अपन रिफॉर्मेशन लाएंगे, मतलब थोड़ा सा रूल वगैरह बदलेंगे, किस चीज में बदलेंगे, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, समझ रहे हो, पहला क्या बोला था भैया ये जो सेफ हेवन है टेररिज्म जो छुप जाते हैं उसको क्या करें अपन, बर्बाद करेंगे, ठीक है, वो कंट्री जो रहेगा उसके ऊपर अपन सैंक्शन लाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ठीक है, पहला होगा। दूसरा क्या बोला गया था, भैया अपन रिफॉर्म लाएंगे, थोड़ा सा बदलाव करेंगे, ये समझता है WTO क्या है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, रहेगा ध्यान में, इसके अंदर क्या करेंगे अपन, थोड़ा बदलाव लाएंगे। उसके बाद सीधी बात है भैया, इंडिया ने फिर से रिफ्यूज किया था, पहले से रिफ्यूज करते आ रहा है, क्या रिफ्यूज करते आ रहा है, BRI, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ठीक है, जो ये प्रोजेक्ट किसका है, चाइना का, तो इंडिया उसको पहले से क्या कर रहा है, अपोज करता है। और उसके बाद अपन क्या देखेंगे कि जो इंडिया है इसने एक्शन प्लान को क्या किया था, अप्रूव किया था, जो भी एक्शन प्लान से 2021 से लेकर 2025 में जो भी इंप्लीमेंटेशन होगा, वो एक्शन प्लान को क्या किया था, इंडिया ने अप्रूव किया था, अप्रूव मतलब हस्ताक्षर दी थी कि भैया हाँ अपन क्या करेंगे, जो भी एक्शन प्लान है, जो भी उसके ऊपर क्या करेंगे अपन, वर्क करेंगे, रहेगा ध्यान में। ये इतना था अपना एससीओ को लेकर, आपको मैंने एससीओ से लेकर इधर जो नाटो था उसको भी पिक्चर में ला लिया मैंने, उसके बेसिस पे मैंने पाकिस्तान चाइना के बारे में भी बता दिया आपको, ठीक है, ग्रे लिस्ट ब्लैक लिस्ट भी आ गया अपना FATF के माध्यम से, समझ रहे, साथ ही साथ अपन ने ये ज्योग्राफी का भी देख लिया, कॉन्टिनेंट कहाँ पे ज्यादा है, टेम्परेचर कहाँ पे ज्यादा होता, ये भी अपन ने देख लिया, फिर UN को भी अपन ने बीच में ला लिया, ठीक है, UN में अपन ने वेटो पावर भी बता दिया क्या होता है, रहेगा ध्यान में, ईस्ट वेस्ट वो भी बता दिया। एक पिक्चर बतानी थी मेरे को तुर्की की, और वो टर्की की कभी और मैं पिक्चर बताऊंगा जब मैं नाटो पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है, नाटो में अलग से पढ़ाऊंगा, नाटो पढ़े नहीं अपन ने, नाटो तो अपन ने मोटा मोटी पढ़े कि भैया वो वेस्ट साइड में अमेरिका लीड कर रहा है, कब बना था वो, कोल्ड वॉर के टाइम से बना है, इधर का विखंडन हो गया मतलब टूट गया, पर इधर टूटने का है, टूटा नहीं है, रहेगा ध्यान में। 1996 में 5 थे, 2001 में 6वां जुड़ा, और 2017 में 8 हो गए। देखो इसमें अगर आप बोलते हो PM पार्ट लेते तो मैं बोल सकता हूँ कि हाँ इसमें PM पार्ट लेते हैं, तो इसमें श्योर मैं बोल नहीं सकता हूँ क्योंकि पर हाई लेवल की मीटिंग ही होती होंगी इसमें, तो इसका मैं कोई उतना आइडिया नहीं है बेटा, क्लियर कट नहीं पता, इसलिए मैं इसमें बोल नहीं सकता। अपने को कोई चीज क्लियर कट पता होती तो अपन बोल देते, वो इसमें क्लियर कट मुझे उतना आइडिया नहीं। बस देखो डिसीजन मेकिंग जो बॉडी है उसमें क्या होता है, प्रेसिडेंट होता है, हाँ बिल्कुल बेटा, इसमें हाई लेवल की मीटिंग जो होती है, चलो याद आ गया मुझे, जो इसका सबसे हाई लेवल का मीटिंग है क्या है, वो हेड्स ऑफ स्टेट काउंसिल, इसमें जो PM, ठीक है, PM हो गया, प्रेसिडेंट हो गया, अपने इधर पार्लियामेंट्री, किधर में क्या होगा, प्रेसिडेंशियल होगा, तो ये सब मिलकर क्या करते हैं यहाँ पे, डिसीजन लेते हैं
हाई डिसीजन बॉडी है, ठीक है, जो वो ग्रुप है ना उसमें सबसे जो बोलते हैं ना मेन लास्ट में कि भैया हम डिसीजन लेंगे, किस किस चीज पर डिसीजन लेते हैं, पॉलिटिकल सिक्योरिटी पर, सिक्योरिटी पर, साथ ही साथ हमने किस चीज पे बोला था और बजट वगैरह पे, कितना बजट बजट किसको एलोकेट करना है, जैसे अपने इधर फाइनेंस मिनिस्टर लेते हैं, वैसे इधर के ये जो ये ग्रुप में जो गुच्छे में मेंबर्स रहते वो लोग लेते। इसके नीचे अपन ने बोला है क्या बोला, हेड्स ऑफ द गवर्नमेंट काउंसिल, वो जैसे किसके साथ ग्रुपिंग करना है इकोनॉमिक पर्पस के लिए, ये सब उसमें डिस्कस करते हैं। इससे थोड़ा नीचे का लेवल, इससे थोड़ा नीचे का क्या है, हेड्स ऑफ गवर्नमेंट काउंसिल। देखो बेटा इतना नॉलेज मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दूसरे सर दे सकते, भले अपन बोल सकते कि इधर उधर का अपन पूरा चिड़फाड़ कर लेते, पर अपने एससीओ को तो ठीक है, अपन ने नाटो तक के नहीं छोड़ा, एफएटीएफ को तक के नहीं छोड़ा, हो सकता है यूएन को भी छोड़े नहीं अपन ने, अभी अपन ने डब्ल्यूटीओ का किया नहीं, तो डब्ल्यूटीओ का भी कर लेते, टाइम नहीं है अपने, ये चीज का अपन देख लेते। और एक चीज क्या है कि वहां पे एक दो परमानेंट बाउंड्रीज है। हाँ बेटा एवरी, बिल्कुल, एक मीटिंग होती है हर साल, इसकी मीटिंग होती है, बिल्कुल ठीक है, इसकी क्या होती है, हर साल मीटिंग होती है, ये भी जरूरी है। जैसे मैंने क्या बताया, 20वीं मीटिंग जो है उसको हेड किसने किया था, हेड मतलब वो बोलते हैं ना वर्चुअली हुआ था, कोरोना था अभी पेंडेमिक, तो हेड मतलब उसको लीड किसने किया था, उसका वो था प्रेसिडेंट, कहाँ का प्रेसिडेंट था वो, रशिया का। और 19वां जो मीटिंग था, 19वां मीटिंग इंडिया ने करवाया था, समझ रहे हो, हेड कौन था, इंडिया था, कौन से मीटिंग का, 19वां। 20वां मीटिंग कौन था, रशिया था, ठीक है, क्लियर है, ओके, हो गया क्लियर इतना पक्का। और एक चीज मैं बता दूं आपको, देखो मैंने कहा बताया, इधर इधर है एससीओ, इधर है नाटो, ये भैया दोनों को इंटरेस्ट है, किस चीज में इंटरेस्ट है पता है क्या, गल्फ कंट्रीज में, गल्फ कंट्रीज पता है क्या कौन सी है, जहां से ऑयल आता है, रहेगा ना में ईरान इराक, मैंने आपको पढ़ा चुका ऑयल का कि भैया अभी ऑयल का प्राइस क्यों बढ़ गया, 50 बैरल चल रहा था 70 बैरल क्यों हो गया, पढ़ाया मैंने आपको, बैरल का मतलब भी बताया था कितना होता, सब कुछ आपको मैं क्लियर कट करवा चुका हूँ, आप रेगुलर प्रेजेंट रहोगे तो आपको डिटेल और मिलता जाएगा कुछ सीखने के लिए, ठीक है। अब मेन मुद्दा है, मैं अपने मेन मुद्दे पे आता हूँ।